Hello guys. Hello. Hello guys. Good morning, everyone. मैं अनिल कुमार फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बनाने हेतु फिर से अपने क्लास पर आया हूं. मैं आपसे वादा किया था जो मैं बहुत जल्द आपके लिए एक नया वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन मेरे साथ कुछ दुर्भाग्य हो जाने के कारण से मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो अपने कहे अनुसार अपलोड नहीं कर पाया. मुझे बेहद खेद है इस बात की जो पहली बार मैं अपने बताए गए बातों को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बनाने हेतु. मैं अनिल कुमार आपको ये बताना चाहता है जो मेरे साथ 3 रोज पहले एक आकस्मिक घटना हुई. मैं वीडियो बनाने के लिए ही क्लास पर आ रहा था और रास्ते में मैं दुर्घटनाग्रस्त यानी एक्सीडेंट हो गया. मैं अपने सभी बच्चों, अपने सभी विद्यार्थियों, अपने सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उनके दुआ से ही, अपने माता पिता के दुआ से ही, अपने मित्रगण के दुआ से ही आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया है. क्योंकि यह घटना इतनी खतरनाक थी, जो मैं ट्रक के नीचे आ गया, ट्रक और हमारे बीच मात्र हाफ फीट का फासला था. यदि वह आधा फीट आगे बढ़ती तो मेरी जिंदगी समाप्त थी. खैर, मुझे पता है मैंने आज तक किसी के लिए बुरा नहीं किया, जिसकी वजह से ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, मेरी जिंदगी को बतस दिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. ये घटना 3 दिन तक मुझे काफी झकझोरा, काफी चोट थी, काफी ज्यादा हम परेशानी में थे. इसलिए हम आप लोगों के सामने यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से मैं नहीं आ पाया, सॉरी इनके लिए. और धन्यवाद इसके लिए जो आप लोगों की दुआ मेरी जिंदगी बदल दी. आइए अब हम फिर से अपने काम में लगते हैं. आपको पिछले वीडियो में मैंने पोएट्री सेक्शन, बुक सेक्शन का ऑब्जेक्टिव जो है बता रहा था. टोटल मैं 2 चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव करवाया था. आज मैं उसी ऑब्जेक्टिव की कड़ी को आगे बढ़ाने हेतु 3रा चैप्टर आप लोगों के सामने लेके आया हूं. इस 3रा चैप्टर का नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट. 3रा चैप्टर जो है आपका पोएम सेक्शन का, उनका नाम है नाउ द लिप्स, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट. देखिए, मैं इस चैप्टर का सभी लेटर को कैपिटल में लिखा है, इसलिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिख पाए. स्मॉल लेटर नहीं दिखता है, इसके लिए आप लोग कोई प्रकार की बातों को नहीं सोचेंगे. मैं बस आपको दिखने हेतु इसको कैपिटल लेटर में लिखा हूं. ये
रही आपकी तीसरी चैप्टर जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर क्रॉलिंग फास्ट। इस चैप्टर को लिखे हैं डब्ल्यू एच ऑरन साहब, डब्ल्यू एच ऑरन। आइए इसकी ऑब्जेक्टिव प्रारंभ करने से पूर्व मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताता हूं। डिटेल में फिर आज नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं इसे डिटेल में क्लास में पढ़ाया भी हूं, एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के समझाया हूं, डिस्कस किया है और आप लोगों से पूछ पूछ कर मैं आगे बढ़ा हूं, जो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चैप्टर में। देखिए इस चैप्टर को जो लिखने वाले हैं उनका नाम है डब्ल्यू एच ऑरन। डब्ल्यू एच ऑरन का पूरा नाम जो है, फुल नेम जो कहते हैं, डब्ल्यू फोर होता है विस्टन, एच फोर होता है व्यू और ऑरन तो पूरा नाम दिया हुआ ही है। इस चैप्टर जो शीर्षक है यह है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब पत्तियां जो है बहुत तीव्र गति से गिर रही है, यानी बहुत तेजी तेजी जो है पत्तियां गिर रही है। इस चैप्टर के जो कवि हैं उनका नाम अभी मैंने आपको बताया नहीं है, अब इनके बारे में थोड़ा अबाउट द पोएम, अबाउट द ऑथर, आई विल डिस्कस समथिंग अबाउट दिस चैप्टर, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली एंड एंजॉय आवर वीडियोज एंड कंटिन्यू योर स्टडी। विस्टन हैव ऑरन 1907 to 1973। डब्ल्यू एच ऑरन वॉज बॉर्न ऑन 1907, यानी इनका जन्म जो है 1907 में हुआ है एंड डाइड 1973, और इनकी मृत्यु जो है सन 1973 ईस्वी में हुआ है। ऑब्जेक्टिव के दौरान कुछ ऐसी बिंदु आती है जिन्हें आपको काफी ध्यानपूर्वक देखना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है जब भी आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में जो कवि हैं उनके डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डाइट, मृत्यु, अवार्ड एंड अवार्ड एंड हिज वर्क्स, उनके काम, इन बातों को आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पूछने का स्थान है, इसलिए इन बातों को आप पढ़ने वक्त काफी ध्यान देंगे। किसी भी प्रकार का आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आवे, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इनके लिए आपको इस बातों को ध्यान में रखना होगा। तो अभी मैंने इसका बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बताया, डाइट बताया, आइए फिर आगे देखते हैं। सारा है पुलित्जर प्राइज इन 1948 ही वन द पुलित्जर प्राइज। 1948 में इसे पुलित्जर प्राइज मिला था। पुलित्जर प्राइज क्या होता है? साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु जो बहुत अच्छे काम करते हैं, जिनका वर्क काफी फेमस होता है, महत्वपूर्ण होता है, उन्हें जो है अवार्ड दिया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो ये पुलित्जर प्राइज 1948 में मिला था। अब किसके लिए मिला था? तो इनकी एक कलेक्शन थी, कलेक्शन मतलब होता है संग्रह। संग्रह क्या चीज का? कविताओं का पोएम्स कलेक्शन, जिनका नाम था द एज ऑफ एनसीटी, द एज ऑफ एनसीटी। आइए आगे बढ़ते हैं।
left England as early as 1939. आपको पता होना चाहिए ये इंग्लैंड में जन्म लिए थे, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, लेकिन इसने इंग्लैंड को बहुत शीघ्र ही छोड़ दिया था, यानी अपने जन्म का 31 वर्ष बिताने के बाद 32वां वर्ष में इसने इंग्लैंड को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बसने के लिए चले गए। और बसने के लिए कैसे? परमानेंटली यानी अस्थायी रूप से वहां बसने हेतु चले गए। इनका जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य है वो मैं बताता हूं और आप भली भांति जानते हैं। ऑडेन का दो स्थान हो गया, एक तो इंग्लैंड जो जन्म स्थल है उनकी, और ये 1939 में इंग्लैंड को जो छोड़कर यूएसए चले जाते हैं। तो ये कवि है, लेखक है, तो इनका काम तो होगा, दोनों जगह अलग अलग काम है। तो मैं इनके काम जो दो भागों में बता हुआ है दोनों भागों को अलग अलग करके आपको बताता हूं। आइए फर्स्ट में हम आपको बता रहे हैं द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज, यानी इंग्लैंड में जब था तब इनका कुछ ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण कार्य जो है द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य है जब ये कहां थे, इंग्लैंड में। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड न्यू ईयर लेटर फॉर द टाइम बीइंग द एज ऑफ एनसीटी द सिंग ऑफ हिल्स, यानी ये इनके क्या है कुछ महत्वपूर्ण कार्य है कहां का, जब ये अमेरिका में जा बसे थे। यानी ऑडेंस वर्क्स इज डिवाइडेड इनटू टू फेज, यानी ऑडेंस साहब का काम जो है इनकी रचना जो है दो भागों में बटी हुई है, एक अमेरिकन फेज और एक ब्रिटिश फेज यानी इंग्लिश फेज, ब्रिटिश इंग्लैंड को कहते हैं। द प्रेजेंट पोयम, वर्तमान में जो हम लोग पोयम पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है नॉट द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, शोज द फ्रस्ट्रेशन, यह जो है फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है, इनेट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन में जो स्वाभाविक रूप से फ्रस्ट्रेशन आती है, निराशा आती है, हताशा आती है, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कवि ने इस कविता का रचना किया है। कवि का कहना है द एस्पिरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, कारा अपेक्षा कभी भी जो है पूर्ण रूपेण पूरा नहीं हो पाती है, एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, कह रहा है इस तन्हापन में जो लोगों को अकेलापन सुनापन आ जाता है उसमें लोग जीते हैं और मर जाते हैं। प्रेजेंट पोएम जो है वह दर्शाता है फ्रस्ट्रेशन को, इनेट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन में स्वाभाविक रूप से जो हताशा निराशा आती है उस हताशा निराशा को जो है यह कविता दर्शाती है। आशा करते हैं जो संक्षिप्त में ही मैंने बताया है आपको, लेकिन आप जो हमारे यहां पढ़े होंगे तो आपको पुनः ये सारी बातें याद आ गई होगी, और जब पुनः याद आ गई होगी तब जब हम इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। यह ऑब्जेक्टिव जो है मैंने जो आपको एक किताब दी थी ऑब्जेक्टिव का, उसी ऑब्जेक्टिव के किताब से मैं ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था जब भी मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो मेरे द्वारा दिए गए बुक आप अपने सामने खोलेंगे। देखिए यही बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मैं वादा करता हूं इस किताब में जितनी भी ऑब्जेक्टिव दी गई है इससे बाहर ना आज तक कभी पूछा है और ना ही कभी पूछेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, आज तक कभी भी मेरी किताब से बाहर नहीं पूछा है और ना पूछेगा, इस बात की भी गारंटी है। आप बस दिग भ्रमित हुए किसी अन्य के बातों पर ध्यान ना देते हुए मेरी इस
पुस्तक की अध्ययन ध्यान पूर्वक कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं एक ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी आपसे वादा है। और यदि ऑब्जेक्टिव बाहर जाता है तो आप मेरे क्लास पर आकर हमसे बोले, ये ओपन चैलेंज है मेरा। आइए ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो एक नई कार्य जो शुरू होता है, जब कोई पर्सन एक नया काम शुरू करता है तो अच्छा बुरा सभी प्रकार का कमेंट आता है। मैं आशा करता हूं मेरे बच्चे के द्वारा दिए गए कमेंट हमें काफी सहानुभूति काफी ऊर्जा प्रदान करती है, जिसकी वजह से मैं बार बार वीडियो बनाने आता हूं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, जो मुझे अन्य लोगों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके लिए मैं एक प्रोफेशन आपके सामने पेश कर रहा हूं। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है, ये वक्त वक्त की बात है, और वक्त सबका आता है, और वक्त सबका आता है, और वक्त सबको जवाब देता है। मैं धन्य हूं, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, जो बहुत कम समय में आप लोगों ने मुझे सहरसा की धरती पर एक पहचान दिया। आज मैं सहरसा की धरती पर अंग्रेजी सब्जेक्ट में एक अच्छे टीचर के रूप में जो गिना जाता है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की बरप्पन है। मैं आशा करता हूं यही प्यार, यही स्नेह, यही बरप्पन आप अपना हमारे प्रति दिखाते रहे, ताकि हम जीवन में आपके लिए कुछ अच्छा कर सके। आपका प्रोत्साहन, आपका कमेंट हमें जीवन में आगे बढ़ने हेतु काफी मददगार होता है। मेरे लिए ये एनर्जी बूस्टर का काम करता है। मैं आशा करता हूं इसी तरह से आप मेरे वीडियो पर कमेंट करते रहें, ताकि मैं आपकी लाइक करते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा उपस्थित होकर इसी तरह से इस लॉकडाउन में जो आप घर से बाहर नहीं जाते हैं, आपकी पढ़ाई को जारी रखने हेतु वीडियो बनाते रहे। आइए ध्यान दीजिए ऑब्जेक्टिव पर। चलिए हम पहला क्वेश्चन का जिक्र करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ नॉ द लिप्स ऑन फॉलिंग फास्ट। गाना नॉ द लिप्स ऑन फॉलिंग फास्ट के कवि कौन है, उसके कवि कौन है, डब्ल्यू एच ऑर्डन। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डब्ल्यू एच ऑर्डन वॉज बॉर्न इन, अभी मैंने बताया था इनका जन्म जो है 1907 में हुआ था, 1907। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। आइए ऑब्जेक्टिव नंबर थ्री देखते हैं। डब्ल्यू एच ऑर्डन डाइड इन, इनकी मृत्यु तभी बताए थे 1973। ऑप्शन नंबर सी योर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर चार, कारा डब्ल्यू एच ऑर्डन वन द पुलित्जर प्राइज इन द इन द ईयर, अभी तुरंत बताया था 1948 में पुलित्जर अवार्ड मिला था। ऑप्शन नंबर सी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, अभी आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, मुझे आशा है जो आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार वीडियो देख रहा हूं, वो क्या नीचे दिखाई दे रही है आपको या नहीं दे पा रही है। हाँ देखिए, तीन तक आपको दिख रहा है, लेकिन चौथा वीडियो चौथा नंबर आपको नहीं दिख रहा है, मैं इसको ऊपर लिखने जा रहा हूं। चार का आंसर हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। What are falling fast? क्या तेजी से गिर रहा है, तो लिप्स गिर रहा है तेजी से, पत्तियां तेजी से गिर रहा है। पांच का हो जाएगा सी। चौहू डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन, कौन करता है, जो वास्तविक परम आनंद की खुशी में होता है तो उनको परेशानी में डालने हेतु कौन आता है, कौन उसको डिस्टर्ब करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्परिंग नेबर्स, यानी यंग दूत, मृत्यु का जो वाहक होता है उसको विस्परिंग नेबर्स कहते हैं। साथ में है तो प्राम्स आर डैश, प्राम्स बच्चा गाड़ी, बताए थे तीन पैर वाली जो होती है गाड़ी, जो बच्चों को चलने हेतु दिया जाता है प्रारंभ में, वह रोलिंग करती है, इधर उधर घूमती है गोल गोल करके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। आइए फिर इससे आगे बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन पर। आठवां नंबर ऑब्जेक्टिव आपका कह रहा है नॉट द लिप्स ऑफ फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय,
हम आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जो आपको लगता होगा क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, पूछने का जो ट्रेंड है उसी ट्रेंड को हम अपनाते हुए दोबारा क्वेश्चन को कंपोज करते हैं। यानी एक बार जो पूछा क्या पूछा, वो इज द पॉइंट। इस बार क्या क्वेश्चन है, यू नो द लिप्सार ट्रोलिंग फास्ट इज रिटेन बाय, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। ऐसा पूछा जाता है इसलिए हमने ऐसा किया है। आइए, आज का जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नौ में देखते हैं हम लोग, करा द प्रॉम्प्ट्स आर बेस्ट। अभी तुरंत बताए थे रॉलिंग, आंसर हो जाएगा सी, नौ का सी, सी इज योर आंसर। दस का, ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, किसी का जिंदगी जो है मृत्यु से बेहतर नहीं होता, ये यथार्थ सत्य है, दैट्स ट्रू, सभी के जिंदगी में ये आता ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेवलर्स आर ओनली डैश बींग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, कारण ट्रेवलर्स कौन है, तो हम मानव प्राणी के बारे में जिक्र किया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कारण कौन जो है मौत की ओर जो है घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, तो वह मानव प्राणी है, तो विलन हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर कह रहा है आपका, द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्टेडी अराइवल ऑफ डेथ, क्या तेजी से जो गिर रहा है वह मृत्यु को तेजी गति से दिखा रहा है, तो लिप्स, लिप्स है आपका ऑप्शन नंबर ए, तो 12 का हो जाएगा ए। 13 में देखिएगा, द डैश हैज बिकम डम टू सी द लिपलेस ट्रूथ, पत्ते से जो वृक्ष से जो पत्तियां वगैरह गिर गया है उनको देख कर कौन गूंगा हो गया है, कौन शांत हो गया है, तो इसमें एक बर्ड का चर्चा था, नाइटिंगल का, बुलबुल का, वह इस दृश्य को देखकर जो है काफी गूंगा हो जाती है, दम हो जाती है, उन्हें भी जो है काफी ज्यादा हताशा आ जाती है इस मौसम को देख के, इस पतझड़ को देख के। डैश वाटर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाटर फ्लो खुद ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू द वे, तो कैसा वाटर फ्लो था, वाटर फ्लो था जी, तो वाटर फ्लो था व्हाइट कलर का, तो व्हाइट मतलब सफेद कलर का, यानी पानी का कलर दिखने में सफेद लगता है, जबकि पानी वाटर इज कलरलेस, वाटर का कोई कलर भी नहीं होता है, यू नो वाटर हैज नो एनी कलर, उनके पास कोई कलर नहीं होता है, ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, बट सो से जो आ रही है तो यह दिखती है कैसा, व्हाइट दिखता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं व्हाइट वाटरफॉल। 15 नंबर, ट्रीज से ऑब्जर्व लिविंग, तरह वृक्ष कम पत्तियां को छोड़ता है, तो ऑटमन, सॉरी ऑटमन कह रहे हैं, ऑटम इसको पढ़ना है, ऑटम शरद ऋतु जिसको कहते हैं ऑटम, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। 16 का देखिए, डैश पर्सन आर ट्रेवलर्स, यंग पर्सन युवा आदमी जो है वह क्या है, ट्रेवलर्स है। अब देखिए 17 नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो कह रहा है द लिप्स आर फॉलिंग डैश, लिप्स जो है फॉलिंग तो हो रहा है, गिर तो रहा है, कैसे गिर रहा है, तो फास्ट गिर रहा है, तेजी से गिर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताए गए इस 17 ऑब्जेक्टिव जो तीसरा चैप्टर में दिया गया है उसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं देख रहा हूं जहां तक यहां से आकर हमें लग रहा है जो आपको 16 नंबर आंसर नहीं दिख रहा होगा बोर्ड से, तो मैं 16 नंबर को फिर से एक बार कर दे रहा हूं। 16 का आंसर यहां जो मैंने लिखा है, तो 16 का आंसर को मैं यहां कर दे रहा हूं, वह नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो 16 का आंसर हुआ क्या था, तो 16 का आंसर आपका हुआ था ए नंबर, तो 16 का यहां फिर से मैं कर दे रहा हूं। चलिए इस तरह से ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। मैं इसको आपको पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे ढंग से, ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो है तो मैं ऑब्जेक्टिव का ही जिक्र कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा, आगे और भी चीज इससे पूछी जाती है तो उसको मैं आगे के वीडियो में बनाऊंगा, जब इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होगा, एक्सप्लेनेशन का वीडियो होगा तब बताऊंगा। आइए फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं जिसका नाम है ओड टू ऑटम, ओ
रोड टू ऑटम पतझड़ की गीत गाथा कहानी इनको लिखा है जॉन किस साहब ने। जॉन किस 1795 टू 1821 कह रहा है। जॉन किस साहब का जन्म जो है 1795 में है और इनकी मृत्यु जो है 1821 ईस्वी में हुआ। जॉन किस का जन्म कब हुआ 1795 में और मृत्यु कब हुई इसकी, तो इनकी मृत्यु 1821 में। बहुत छोटा सा इनका जीवन काल रहा, लेकिन इतनी छोटी सी जीवन काल होने के बावजूद ये महानता को हासिल करने में कहीं से कोई कमी नहीं किए। इतनी कम जीवन काल में ये काफी महानता को अर्जित कर पाए। ये इस कवि की ऐसी खासियत थी, इस कवि की ऐसी महानता थी जो आज हम सहरसा जैसे एक छोटे स्थान पर इनके द्वारा लिखे गए प्रेम को पढ़ रहे हैं, जबकि इनका जीवन काल बहुत ही कम रहा। इतना इनका जीवन काल इतना कम समय रहा, जो इतने जीवन काल में मतलब इसकी आयु 26-26 वर्ष की आयु में ये मर गए थे, तो इतने में यहाँ के लोग युवा ही होते हैं, बहुत से लोग मैट्रिक इंटर पास कर पाते हैं। और ये एक ऐसे शख्स थे जो इतनी महानता को हासिल कर लिए इतने कम जीवन काल में, जो आज हम यहाँ बैठे इनकी वीडियो सॉरी इनके लिखी गई कविता को पढ़ रहे हैं, इनकी गुणगान कर रहे हैं। आइए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स। आपने देखा होगा पहला चैप्टर जब मैं पढ़ाया था तो इसमें मेटाफिजिकल पोएट का चर्चा था। दूसरा पढ़ाया था कि पीपल्स पोएट, तीसरा का भी जिक्र किया था नॉट द लीव्स आर फॉलिंग का। ये नेचर पोएट हो जाएंगे क्योंकि ये जो है प्रकृति वाले बातों को ज्यादा लिखते थे, तो WH Auden इज नॉन एज नेचर पोएट। और ये चौथा चैप्टर और जो ऑटम जो है, इनके जो कवि जॉन किस साहब है ये किस पोएट के नाम से जाने जाते हैं, तो ही इज नॉन एज रोमांटिक पोएट। इस पर बराबर क्वेश्चन पूछता है जो हु इज नॉन एज रोमांटिक पोएट, रोमांटिक पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ऑप्शन में जॉन किस रहेगा तो जॉन किस आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में जॉन किस रहे वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए, इनका जन्म जो है मुनफ्रिंस में हुआ था। मुनफ्रिंस एक छोटा सा जगह है जो लंदन में है, और लंदन कहाँ है इंग्लैंड में है। ये क्लार्क स्कूल में पढ़ाई किए थे जो इनफील्ड में था। इनको गहरा अभिरुचि था क्रिकेट और बॉक्सिंग से। चलिए इतना जिक्र हम नहीं कर पाएंगे। हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इनका पहला जो कविता था वह था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जिसका प्रकाशन यानी वाज पब्लिश इन 1814 यानी उसका प्रकाशन 1814 में हुआ था। करा इन फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश इन 1817 करा। इसका कविता का जो पहला वॉल्यूम प्रकाशित हुआ था वह हुआ था 1817 में। इस पोएम इंडी मियन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम सुने होंगे, बहुत ही नामी गामी प्रसिद्ध कवि थे, उनके द्वारा इनकी कविताओं का प्रशंसा किया गया है। आगे देखिए, इट वॉज पब्लिश इन, इस कविता का प्रकाशन जो 1818 में हुआ है। अब इनके कुछ ओड्स हैं जो महत्वपूर्ण ओड्स है, नोटेबल वर्ड्स है, उसको जिक्र करते हैं। ऑन इंडोलेंस, ऑन ए क्रिश्चियन आर्म, टू साइक, टू ए नाइटिंगल, ऑन मेलांचोली, ओड टू ऑटम, मैड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी ये इनके जो ओड है, ये ओड जो है इनको क्या बनाया, अंग्रेजी साहित्य का एक रोमांटिक पोएट बनाया, रोमानी कवि बनाया। सो डिड लामिया एंड हाइपेरियन, इसका दो पुस्तक और है लामिया और हाइपेरियन, ये भी जो है इनको काफी कुछ मददगार किया रोमांटिक पोएट का मान सम्मान दिलाने में। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26। मैंने आपको बताया था इसका जीवन काल बहुत कम था, तो कह रहा है इनका मृत्यु जो है 1821 में 26 वर्ष की मात्र आयु में हो गया था। क्यों हुआ था इनकी मौत, तो इनकी मौत जो हुई थी
वो हुई थी ट्यूबर क्लोसिस के कारण से, जो आज टीबी बीमारी के नाम से जाना जाता है, हिंदी में क्षय रोग होता है। ये बीमारी आज इनकी इलाज जो है बिल्कुल संभव है, बिल्कुल अब इसकी कोर्स होती है और ये इलाज ये बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन पहले ये बीमारी जो है लाइलाज थी, यानी जिस समय में इनको ये हुआ था उस समय में यदि किसी को ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसका मरना फिक्स था। आइए देखते हैं आगे। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ यू आर एबल टू अचीव ग्रेटनेस, मैंने बताया था इतनी छोटी जीवन काल होने के बावजूद भी ये महानता को हासिल करने में सफल रहे। आगे कह रहा है, टर्म्स एंड रिलेटर्स ऑफ डेथ बैलिज देयर ब्यूटी एंड डेवलप इज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ। कह रहा है इनकी कविता, इनकी पत्र जो है लोगों के जीवन में जो दर्द होती है, दर्द से जो पीड़ित होती है, उनको जागृत करने हेतु, उनको जागरूक बनाने हेतु ये कविता ये सबको लिखा करते थे। कह रहा है थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। कह रहा है ये सुंदर वस्तु जो होती है ये सदा के लिए आनंददायक वस्तु होती है। ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदरता जो है सत्य है। ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी और सत्य क्या है? सुंदर है। इन द पोएम ओड टू ऑटम कीप्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटमन इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। तारा इस कविता में जॉन कीप्स साहब शरद ऋतु की, ऑटम की सुंदरता और चरित्रता को जो है एक सुंदर यादगार तस्वीरों के द्वारा दर्शाते हैं, विवेचना करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। इनके अनुसार और ऑटम जो है बहुत ही अच्छा मौसम है। इस मौसम की क्या खासियत है, क्या इस मौसम की बड़ाईपन है, इस मौसम की क्या विशेषता है, उनको इस कविता में इसने क्या किया है, जिक्र किया है। आइए अब हम चलते हैं इसके तीसरे पोयम पर। इस सेक्टर का पोयम जो है, पोयम का ऑब्जेक्टिव जो है उनको मैं बताने जा रहा हूं। फिर से एक एक ऑब्जेक्टिव को जिक्र करूंगा। पहला ऑब्जेक्टिव ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम का जो है वह है ओड टू ऑटम इज रिटन बाय, तो किसने लिखा है, तो जॉन किप्स साहब ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, ओड टू ऑटम इज ए ड्रेस, क्या है ये, कविता है, पोएट्री है, सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ओड टू ऑटम, ऑटम इज ए पोएम ऑफ ड्रेस, कैसा पोएम है, तो नेचर है, प्रकृति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। चार नंबर देखिएगा, न्यू लीव्स एंड ट्रीज ग्रो ऑन ट्रीज, किस मौसम में पेड़ में जो है नया पत्तियां में फूल फल लगते हैं, तो ऑटम में ही लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। इसी मौसम में जो है नए नए पत्ते पेड़ में लगते हैं, फूल फल लगते हैं। आइए पांचवा, कह रहा है गैस ट्विटर इन द स्काई, क्या जो है आकाश में गुनगुनाता है, आवाज निकालता है, तो सेलोलोज आवाज ही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेलोलोज। चौथा नंबर देखिएगा, कह रहा ऑटम इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग गैस, ऑटम जो है किसका जो है क्लोज फ्रेंड है, घनिष्ठ मित्र है, तो सन का है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर, ऑटम स्टार्ट्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ, किसके बाद, तो समर के बाद, तो हो जाएगा बी नंबर, किसके अंत होने के बाद जो है ये प्रारंभ होता है। आठवां नंबर, जॉन किप्स वाज बॉर्न इन, जॉन किप्स साहब का जन्म तो अभी बताए थे 1795 1795, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। आइए नौ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या आपके मेरे द्वारा लिखा गया दिखाई पड़ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं जो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो सभी बच्चों को चार तक तो दिख रहा है, आठ का भी दिख ही रहा है, आठ का सी हो जाएगा, आठ का सी हो जाएगा, एक बार लिख लीजिएगा, आठ का सी हो जाएगा। आइए हम इधर लिखते हैं जो आपको अच्छे से दिखाई दे। नौ नंबर में देखिएगा, नौ नंबर में कह रहा है जॉन किप्स डाइड, ये कब मरे थे, तो 1821 1821, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर।
दस नंबर है ये तारा टू ऑटम इज रिटन बाय किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए जॉन किप्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 किप्स इज ए पास पोएट, किप्स साहब जो रोमांटिक पोएट, ऑप्शन नंबर ए 12 में ऑटम इन द सीजन ऑफ मेलो क्या है, प्रचुर मात्रा फल फूल जैसे बड़ा पकाए थे आपके प्रेम में तो फ्रुट फूल नष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। 13 नंबर डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, कौन जो है प्रकृति के महान बड़ा प्रेमी है, तो जॉन किप्स साहब हो जाएगा। 13 का ए नंबर आंसर। आइए 14 में ऑटम स्टार फिल्म का डिपार्चर या रिपीट बताए थे, रिपीट हो गया क्वेश्चन कोई बात नहीं है, टू नंबर आंसर हो जाएगा समर। 15 नंबर इन डैश न्यू लीव्स एंड ब्रिज कम आउट ऑन ट्री, तो ऑटम हो जाएगा। 15 का हो जाएगा सी नंबर आंसर। 16 नंबर देखिए ओड टू डैश इज एन ओड, तो ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए यही था आपका चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जिसका नाम था ओड टू ऑटम, जिनको लिखे थे जॉन किप्स साहब। मेरे प्रिय छात्रों, मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं सभी व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूं जितने भी ऑब्जेक्टिव का मैं जिक्र किया हूं, किताब में भी जो पढ़ाने के दौरान जो छोटा सा मैं कहानी जैसे जो आपको समझाया है, यदि इतनी बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये अनिल कुमार का वादा है आपसे, ये अनिल कुमार का ओपन चैलेंज है दुनिया से, जो इससे बाहर कभी नहीं पूछ सकता है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं, पूरी तरह से पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा बताए गए ऑब्जेक्टिव से बाहर क्वेश्चन नहीं आज तक गया है और नहीं जाएगा। कृपया आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते रहे, पढ़ते रहे, और ऑब्जेक्टिव जो बताने के दौरान मैंने जो आपको कुछ बताया है वो बताया है, जो कुछ बातों को जो ध्यान में रखना, देखिए उसको हम फिर से एक बॉक्स बनाकर जो आपको दिखा रहा है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डाइव, अवार्ड एंड हिज वर्क्स, इस बातों को भी आप अलग से भी ध्यान में रखेंगे प्रत्येक चैप्टर में। और कविता जो मैंने बताया है आपको, कविता जो पढ़ा है उसकी भी लाइन को ध्यान में रखेंगे, जो पोएम पंक्ति जो है किस चैप्टर से लिया गया। ऐसे मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा बाद में, जिनमें सभी चैप्टर का कुछ लाइंस जो होता है, जो इम्पोर्टेंट लाइंस होता है, जैसे यहीं पर बराबर में देखिए आपको कौन सा लाइन उठा के पूछ देता है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इस बार के क्वेश्चन में था ओ हाउ फेबल इज मेंस पावर, ये लाइन उठा के दे दिया था एक्सप्लेनेशन के लिए भी, आकर दे देता है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, जो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैश, ये पंक्ति कहां से लिया गया है, तो इनके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। यदि आपका प्यार इसी तरह से स्नेह मिलता रहा, आप मेरे वीडियो को इसी तरह से देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, मेरे बताए गए वीडियो यदि पसंद आने पर आप कमेंट करते रहे, तो मैं वादा करता हूं मैं हर एक चीज का अलग अलग वीडियो बनाकर आपकी पढ़ाई को लॉकडाउन में भी इस तरह से जारी रख पाऊंगा, जो आपको लगेगा जो कोई टीचर है जो हमारे हित में सोचते हैं। लेकिन इनके लिए हमको आपका समर्थन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आइए हम इससे अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पांचवा चैप्टर जिसका नाम है एन एपिथेट। देखिए इसको बहुत तरह से बहुत आदमी पढ़ता है, एपिथेट भी पढ़ता है, बहुत तरह का पढ़ता है, एपिथाप भी पढ़ता है, लेकिन इसको पढ़ना है एपिथेट, एक समाधि, एक समाधि है ये, जहां पर मृत शरीर को दफनाया जाता है उस जगह की बात है। इस
चैप्टर को जो लिखे हैं उनका नाम है वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर, वाल्टर डेला मेयर साहब जो है इनका जन्म जो है 1873 to 1956, इनका जन्म जो है 1873 में और इनकी मृत्यु जो है 1956 में हुआ था। 1873 में जन्म और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्टन इन केंट इंग्लैंड। इनका जन्म जो है केंट में, जो इंग्लैंड में है, वहां हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। ये मात्र 4 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो दिया था। एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन, और अपने पूरे परिवार को लेकर लंदन चला गया। करा ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। करा है यह काफी संवेदनशील कवि के नाम से जाने जाते हैं, जो बच्चों के प्रति काफी संवेदनशील है। हमारा ये प्रकृति जो सुपर नेचुरल प्रकृति है उनके काफी संवेदनशील है। इन सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पिको पाइपिंग टू वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। करा है इनका बच्चे के प्रति जो लगाव है, गीत जो है और पिको पाइप जो है इनके स्वप्न का गहराई से जिक्र करता है, लोगों को दर्शाता है, दिखाता है। आइए इसको जो है मिला था क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड थी, एक इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। कह रहा है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने ऑर्डर ऑफ मेरिट में इन्हें सन 1953 में क्या की थी, सम्मानित की थी, ऑर्डर ऑफ मेरिट। आइए आगे देखते हैं द पोएट मैक्स इस कविता में कभी हमसे क्या कहना चाहता है। वाट डज द पोएट वांट टू से इन दिस पोएम। क्या कवि कहना चाहते हैं इस कविता में, क्या कहना चाह रहे हैं, तो उस बात को देखते हैं। तो कह रहा है द पोएट मैक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। यानी कभी जो है हम मानव प्राणी को इस मॉडर्न लाइफ में, आधुनिक जीवन में अवेयर करना चाहते हैं, जागरूक बनाना चाहते हैं। वह चाहते हैं जो सभी व्यक्ति जो है इस आधुनिक जीवन में क्या रहे, जागरूक हो, आधुनिक जीवन में बदलाव जो आ रहा है उस बदलाव को देखे, उस बदलाव को समझे। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट शोज हिज लव टू हिज बिलव्ड। इस कविता में कवि जो है अपनी प्रेमिका जो बाद में इनकी वाइफ हुई थी उनका प्रेम को दर्शाता है, उनकी ब्यूटीफुल को दर्शाता है, सुंदरता को, ब्यूटी को दर्शाता है, जो सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सी इज नहीं, सी वाज, बात की पहले लड़की थी ये भूतकाल, सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, वो काफी सुंदर थी। नो वन जस्ट लाइक हर, उनके जैसा कोई नहीं थे। कहने का अर्थ है जो इस कविता में कवि साहब जो है बता रहे हैं अपनी प्रेमिका का, अपनी पत्नी के बारे में, एक समाधि स्थल उन्हीं के समाधि पर बैठा हुआ है, वही समाधि के पास जाकर इस बातों को जिक्र कर रहा है। देखिए कारण ये कवि साहब कह रहे थे हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कारा यहाँ एक परम रूपवती वाली जो है सुंदर महिला पड़ी हुई है। यहाँ जो है परम रूपवती वाली एक सुंदर महिला पड़ी हुई है, लेटी हुई है। देखिए हम थोड़ा सा कविता का जिक्र कर देते हैं, छोटा सा पोएम है इसलिए एक बार जिक्र कर दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि इस ऑब्जेक्टिव को समझने में आपको थोड़ी आसानी हो जाए। छोटा सा कविता है, देखिए करा हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हियर लाइज, यहाँ पर एक परम रूपवती वाली जो है सुंदर महिला परी हुई है। लाइट ऑफ स्टेट एंड हर्ट वाज सी, करा प्रकाश के समान उसका हृदय जो है बिल्कुल साफ है। वह परम रूपवती वाली जो महिला है, जो लेटी हुई है यानी जो मर गई है, उनका हृदय जो है प्रकाश के भांति क्या है, साफ है। आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। करा मेरा सोचना है जो यह सबसे खूबसूरत महिला है, यानी इससे ज्यादा खूबसूरत महिला इस दुनिया में कोई नहीं है। जितनी खूबसूरत ये है, जितनी
जितनी आकर्षक ये है, जितनी लवेबल ये है, जितनी लवली ये है, जितनी क्यूट ये है, उतनी क्यूट संसार में कोई नहीं है। That ever was in the West country. जो शायद कभी भी वेस्ट कंट्री में नहीं हुआ था। बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस। कहना लेकिन सुंदरता क्या होता है, आती है गुजर जाती है, यानी पास हो जाता है। सुंदरता स्थिर नहीं रहता है। जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो देखते हैं वे कितने क्यूट लगते हैं, जब बड़ा होते जाते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। कुछ दिन के बाद फिर से वह घर की चली आती है। मरने उपरांत तक देखते होंगे जो वो इधर गाल उधर गाल उधर ये उधर वो स्किन सब देखते होंगे, पूरा लूज हो जाता है। तो यही कार्य है, इसका कहना है जब बट ब्यूटी बहने से। लेकिन ब्यूटी का क्या होता है, सुंदरता का क्या होता है, नाश होता है। ब्यूटी पासेस, ब्यूटी क्या होती है, गुजर जाती है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, कह रहा है लेकिन इसकी सुंदरता जो है रेयर है, इसकी सुंदरता जो है वह रेयर है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर, कह रहा है यदि मैं इस महिला के मर जाने के कारण से, मेरी जो वाइफ के मर जाने के कारण से मैं जो करुण कंदन करूंगा, मैं जो काफी हताश हो जाऊंगा, मैं भी जो है इसके मरने के कारण विलाप जो करूंगा, काफी फ्रस्ट्रेट जो हो जाऊंगा, हु विल रिमेम्बर, तो इस सुंदर महिला को कौन याद करेगा। इस महिला को, इतनी सुंदर जो महिला है ये, इनको कौन याद करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यह महिला जो है पश्चिमी देश की महिला थी, यह महिला है। इस कविता में कवि साहब जो है अपनी प्रेमिका को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का जो है ये दे देता है, नाम दे देता है। इनके जैसा सुंदर महिला इनको दुनिया में कहीं नहीं लगा। चलिए, ये तो उनकी प्रेमिका थी, उनकी वाइफ थी, उनके साथ ये प्रेमी था। ये अपने कहीं ना कहीं अपनी भावना को दर्शाए हैं इस कविता के माध्यम से। आइए हम इनकी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। जो इस चैप्टर में कौन कौन ऑब्जेक्टिव हमने सम्मिलित किया है, उसका आंसर क्या होगा, और आगामी बोर्ड में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आ सकता है, आइए देखते हैं। चैप्टर नंबर 5, एन एपिथेट। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनको लिखे है वाल्टर डेला मेयर साहब, वाल्टर डेला मेयर साहब। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एन एपिथेट इज अ गैस, ये क्या है, तो ये पोएम है। पोएट्री सेक्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन में कहीं है पोएट्री, हाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर। दो कहा है वाल्टर डेला मेयर इज फेमस एज ए गैस, या किस नाम से जाने जाते हैं, तो चिल्ड्रंस पोएट। आप देखे तो जिस तरह से जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं, वाल्टर व्हिटमैन पीपुल्स पोएट के नाम से, डब्ल्यू एच ओडन नेचर पोएट के नाम से, जॉन किस साहब रोमांटिक पोएट के नाम से, उसी भांति आपका वाल्टर डेला मेयर साहब जो है चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जाने जाते हैं। चिल्ड्रन से इनको काफी लगाव था, चिल्ड्रन के प्रति ये काफी संवेदनशील थे। तो दो का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 3 का बता दिए थे। आइए तीसरा का आंसर देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एन एपिथेट इज रिटन बाय, तो आपको पता है एन एपिथेट को किसने लिखा है, वाल्टर डेला मेयर, या आपके ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मैरिट इन, आपको हमने पोएम पढ़ाने में तो बताया था क्वीन एलिजाबेथ ये इंग्लैंड की महारानी थी, द्वितीय क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, ये ऑर्डर ऑफ मैरिट के क्षेत्र में 1953 में इन्हें सम्मानित की थी, 1953। ऑप्शन नंबर 3, 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 का आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1953। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन
पांचवा प्रश्न है हम लोगों का, वाल्टर डेलामेयर वाज बॉर्न इन, वाल्टर डेलामेयर साहब का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1873 यानी 1873, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। आइए छठा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन है, वाल्टर डेलामेयर डाइड इन, वाल्टर डेलामेयर साहब का मृत्यु कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु जो है 1956 में हुआ था, 1956 में। आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, छह का आंसर हो गया बी, बी इज योर आंसर। सेवन नंबर क्वेश्चन, कराहोवर रेयर रेयर ब्यूटी, यानी ब्यूटी का क्या होता है? तो अभी आपको पॉइंट में हम पढ़ाए थे, ब्यूटी वैनिशेज ब्यूटी पासेस, यानी ब्यूटी का जो है नाश होता है, क्षय होता है, ब्यूटी गुजर जाती है, यानी सात का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटी वैनिशेज। ब्यूटी का क्या होता है? नाश होता है, ब्यूटी नष्ट होती है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, करा द पोएट एक्सप्रेस्ड हिज सैड फीलिंग फॉर एंडियस, यानी कवि जो है किनके लिए अपना दुखी अनुभव व्यक्त करते हैं? तो किनके लिए? तो लेडी के लिए। कौन थी लेडी? तो लेडी इनकी पहले प्रेमिका थी, इनकी बाद में वाइफ बनी, उसी लेडी के लिए ये क्या है? काफी दुखी है। आठ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, लेडी, डी इज योर आंसर। नंबर नंबर क्वेश्चन देखिए, एन एपिथेप इज रिटर्न बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है? अलग है। तो नौ का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी इज योर आंसर। आइए दसवां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, वाल्टर डेलामेयर न्यू ए डैस हु इज नॉट डेड, यानी वाल्टर डेलामेयर साहब किनको जानते थे जो अब मर गई, यानी लेडी के बारे में बात हो रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे, लेडी ऑप्शन नंबर ए में है आपका, लेडी तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? आंसर। ग्यारह नंबर देखिएगा, ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द पोएट थिंक्स दैट डेथ इज नॉट एवर लास्टिंग, यानी कवि का सोचना है जो क्या एवर लास्टिंग नहीं होता। एवर लास्टिंग मतलब होता है जो लंबे समय तक ना रहे, सदा न रहे। तो ऐसा पोएम में किस चीज का चर्चा किया गया है? तो ऐसा चर्चा है ब्यूटी का, क्योंकि ब्यूटी जो होती है, सुंदरता जो होती है, उम्र के साथ बदलते रहती है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है तो उनकी सुंदरता थोड़ा सा बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक उम्र का पड़ाव आता है जहां पर जाकर फिर से उनकी सुंदरता जो है क्षय होने लगती है, नष्ट होने लगती है, कम होने लगती है। कह सकते हैं कि ये सुंदरता जो है ये घटती बढ़ती नष्ट होती रहती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 11 का ब्यूटी, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, करा द पोएट फील्स डेट आफ्टर हिज डेथ नो बॉडी विल डैस हर, करा कभी सोचते हैं, अनुभव करते हैं, जो मेरे मरने के बाद इन्हें कोई याद नहीं करेगा। आपको पोएम में देखे थे, नो बॉडी विल रिमेम्बर हर, यानी कोई भी व्यक्ति मेरे मर जाने के बाद इस परम रूपवती वाली सुंदर महिला को याद नहीं करेगा। तो यहाँ पर विल डॉट डॉट हर है, तो भरा जाएगा रिमेम्बर, रिमेम्बर है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। इस तरह से आपका पांचवा चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। आइए फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूं, जिस तरह से पहला चैप्टर पढ़े थे उसमें आपको जॉनडन के लिखा गया कविता को पढ़ना था, तो जॉनडन साहब किस नाम से जाने जा रहे थे? मेटाफिजिकल पोएट। ये ऑब्जेक्टिव पूछने के व्यू से जो है काफी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़े सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसको लिखा है वाल्ट व्हिटमैन साहब ने, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो पीपुल्स पोएट के नाम से जाना जाता है। थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़े, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां तीव्र गति से गिर रही है, उस चैप्टर को लिखे है डब्ल्यू एच ऑर्डन साहब, उनको किस पोएट के नाम से जाना जाता है? तो नेचर पोएट के नाम से जाना जाता है, प्रकृति के कवि के नाम से जाना जाता है।
चौथा चैप्टर हम लोग पढ़े ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम को लिखे हैं जॉन किट्स साहब, और जॉन किट्स साहब को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जो है रोमांटिक पोएट के नाम से जाना जाता है। पांचवा चैप्टर हम लोग पढ़े एन एपिथेट, एक समाधि के बारे में पढ़े, समाधि स्थल के बारे में हम लोग पढ़े, जहां पर लोगों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, जहां उसका मकबरा बनता है, उनके बारे में पढ़े। इनको लिखे हैं वाल्टर डेला मेयर साहब, और वाल्टर डेला मेयर साहब को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है चिल्ड्रंस पोएट के नाम से। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जो इसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव के लिए आपको प्रत्येक चैप्टर में, देखिए मैं जो बॉक्स को थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूं, फिर से बोल्ड कर रहा हूं, उस बॉक्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको उस ऑथर के या पोएट के डेट ऑफ बर्थ याद रखना पड़ेगा, डेट ऑफ डाइट याद रखना पड़ेगा, अवार्ड क्या मिला है अवार्ड के बारे में याद रखना पड़ेगा, और हिज वर्क्स उनके द्वारा जो कौन सा काम किया गया है, यानी कौन सा रचना किया गया है, उनकी किताबें उनकी कविताओं को याद रखना पड़ेगा। उनके बाद इनसे एक और प्रश्न बराबर पूछा जाता है, जो कोई भी पंक्ति को उठाकर रख देता है और बोलता है दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम डैश, यह पंक्ति कहां से लिया गया है। इन क्वेश्चन के लिए आपको जो है ध्यान पूर्वक आपको पोएम को एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। वैसे आप जानते होंगे आपकी भलाई हेतु, आपकी पढ़ाई अच्छा हो, इनके हेतु हम प्रत्येक चीज का वीडियो बनाने का जो संकल्प किए हैं वह हम करते रहेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, जो यह जो प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है, कोई भी कविता से जो पंक्ति उठा के रख देता है और कहता है ये कहां से लिया गया है या किसने लिखा है, उन पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। यदि आपका प्यार, आपका स्नेह, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं भी आपसे वादा करता हूं आपकी कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन, आपके द्वारा दिया गया स्नेह हमें जो है वीडियो बनाने के लिए और भी अच्छे काम करने के लिए काफी ऊर्जावान बनाता है, और मैं हमेशा आपके लिए काम करता रहूंगा, और भी बेहतर से बेहतर, दिनों दिन बेहतर से बेहतर काम करता रहूंगा। इसके लिए आपका हमें सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए, प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए। आशा करते हैं आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे और प्रत्येक बात बताए गए को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे, ताकि इस लॉकडाउन जहां आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके बावजूद भी आपके पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न आए, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आए, इसके लिए मैं हमेशा आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। बस आप मेरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, अच्छा लगने पर अवश्य कमेंट करें, आपकी कमेंट काफी हमें ऊर्जा देती है, आपके द्वारा किया गया कमेंट हमें काफी आत्मविश्वास हमें बढ़ाता है। तो हम आशा करेंगे जो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को देखेंगे, अच्छा लगने पर उन पर कमेंट करेंगे, और आप अपने मित्रगण के बीच भी जो बच्चे कहीं और भी पढ़ते हैं, उनके टीचर जो वीडियो बनाकर उन्हें नहीं सहयोग कर रहे हैं, उन बच्चों के बीच भी मेरा वीडियो को आप क्या करेंगे, सेंड करेंगे, उनको भी पढ़ने के लिए मोटिवेशन करेंगे, ताकि घर बैठे उनका भी पढ़ाई अच्छा हो, आपका दोस्त है उनका भी रिजल्ट आपके भांति बढ़िया हो। इसके लिए आप उन्हें सूचित कर देंगे, उन्हें जो है इन बातों से अवगत कराएंगे। मैं अनिल कुमार एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूं, जो आज आपके स्नेह के वजह से, आपके प्यार के वजह से, आपके दुआ के वजह से जो मेरे साथ एक अप्रिय घटना हुई, जो एक दर्दनाक घटना हुई, उसके बावजूद भी मैं पुनः स्वस्थ हो चुका हूं और स्वस्थ होकर आपके सामने उपस्थित हूं। इनमें कहीं ना कहीं आपका अहम योगदान है, कहीं ना कहीं आपका अहम समर्थन है। मैं इस चीज के लिए मैं सदा आप लोगों का आभारी रहूंगा,
और आपके पढ़ाई में व्यवधान ना आए इसके लिए हमेशा वीडियो अपलोड करता रहूंगा। प्रत्येक चीजों का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा मैं आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय, जय।